वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवासा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेज अग्नोत्री आज की क्लास कक्षा चार के विद्यार्थियों के लिए आज हम हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र से पार्ट आठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वप्रथम हम सर्वनाम किसे कहते हैं यह जाने। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, आप, हम, सब, उसे, उसके, उसने, हम, मैं, मेरा, हमारा, सबने आदि। अब आप एक कुछ वाक्यों के माध्यम से सर्वनाम के बारे में जाने कि कैसे हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य कुछ वाक्यों के आधार पर हम यह जान सकते हैं। साक्षी कक्षा, साक्षी चौथी कक्षा में पढ़ती है, साक्षी कक्षा में सदैव प्रथम आती है, साक्षी ने विद्यालय की प्रत्येक गतिविधियों में भाग लिया है, हिंदी दिवस के अवसर पर साक्षी ने एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, इस पर प्रधानाचार्य महोदय ने साक्षी को पुरस्कार दिया। इस वाक्यों के आधार पर आप अब देखें कि किस तरह हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद में साक्षी शब्द का बार बार प्रयोग होने से वाक्य सुनने व बोलने में अटपटे से लग रहे हैं। अब निम्न अनुच्छेद को पढ़ें। अब उसी वाक्य को आप संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके इस वाक्य हमने बनाया है और आप इस वाक्य पढ़िए। साक्षी चौथी कक्षा में पढ़ती है, वह सदैव कक्षा में प्रथम आती है, उसने विद्यालय की प्रत्येक गतिविधियों में भाग लिया है, हिंदी दिवस के अवसर पर उसने एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, इस अवसर पर प्रधानाचार्य महोदय ने उसे पुरस्कार दिया। हम देखते हैं कि प्रयुक्त अनुच्छेद में साक्षी व्यक्तिवाचक संज्ञा है के स्थान पर वह, उसने और उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसके कारण वाक्य सुनने और बोलने में रुचिकर, श्रुति मधुर, सुनने में अच्छा व सरल एवं संक्षिप्त भी लगते हैं। ऐसे शब्दों को व्याकरण में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्व, सबका नाम। व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों, संज्ञाओं के लिए अथवा उसके स्थान पर हो सके। सर्वनाम का सर्वाधिक प्रयोग वाक्य में संज्ञा के पुनरावृत्ति दोष, बार बार उसी रूप में आने से बचाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के भेद, सर्वनाम के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अभी आपने सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का प्रयोग हम कैसे करते हैं और सर्वनाम की क्या परिभाषा है और सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम के भेदों को विस्तारपूर्वक समझेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।